हा हॅलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर तुमकां आणि स्पेशल सांगपाची गरज ना, माझे तोंड आणि आवाज ऐकून तुमकां समजलेच असतले की हा बरे ना. खूप दिस झाले न्ही तुमकां सांगताले हांव की म्हाका थंडी झाल्या, थंडी झाल्या, ताळो दुखता. सो खरेंच आता जायना, आयज खूपच बरें ना जाल्यार खूपच थंडी अशी चाळवल्ल्या भशेन जाल्या. ॲक्च्युली न्ही मी घरा वयच्या पहिलीसान माझी थंडी मातशी चाळवल्ली, ताळो बी दुखतालो. सो घरा गेले न्ही, घरा गेले त्या दिसा बी ओके लायक आशिल्ली थंडी, मातसो ताळत दुखतालो, चड काय त्रास जायनाशिल्ले. बट जेन्ना काल सकाळी उठले न्ही घरा, तेन्ना सकाळी उठले तेन्ना मातशें चड ताळो दुखपाक लागलो आनी शिके येवपाक लागले कंटिन्यू. सो तरी पण म्हटलें की ना, थंय आमच्या हांगा कितें जाता, स्लॅपाच्या हितून न्ही थंडी तितली खायना. म्हणजे घरा कडेन गेली न्ही थंडी खूप खाता, आणि आमकां न्हंय बी खूप लागी न्ही, सो थंडी खूप खाता. थंडी लागून सकाळ फुडें शिके येता दिसता अशें चिंतलें. मागीर जे कितें तुम्ही पळयलात आसतलो माझं कालचं रुटीन, मागीर वचून येले, सांजचं हळद कुंकूम घेतलं, तरी स्टील शिक्यो हे थांबत ना, मदीं मदीं शिके येतालेच अशें कंटिन्युअस. अशें ताळो बी दुखतालो, तकली बी मातशी जड जाल्ल्या भशेन जाऊ लागली सांजचे. सो तशेंच घरा आयलें हांव, घरा येयलें की ना सांजे मागीर एसी लावन येयलें न्ही, एसीन खूबच जाम जालें. थंयच्यान हांगा पावता मागीर घरा कडेन पावली तकली बी सामकी जड जाली. सो मागीर रातचें जें मान जेवण बी दिल्लें न्ही, ते जेवली बीन आनी मॅडिसीन घेतलें आनी न्हिदलें मातशें. सो सकाळीं म्हटल्यार उठलां तेन्नाच मातशें ओके लायक आशिल्लें. मागीर अशें चिंतलें हांवें हें आनी आतां धडाचें न्ही, पयलीं म्हणल्यार आनी या एकदां जर तकली जड जर कितें जाल्यार न्हिदलें न्ही जोर बी येवन जाल्यार मागीर जेवण थंय उरलें म्हटलें. सो उठलें ब्रेकफास्ट करता आसतना, ब्रेकफास्ट रेडी करता करता जेवण बीन दाळी कुकर लायलो, भाजी आशिल्ली, भाजी शिनली आनी केली. सो तें सगळें केलें, सगळीं आनी दवरली आनी मागीर न्हावपाक गेले. आनी हांवें कितें केलें, आयज म्हाका न्ही एवरी अशें अल्टरनेट डे म्हण या एक दोन दीस सोडून माथे धुवपाक जाय, केंस धुवपाक जायना, मागीर केंस न्ही ऑयली जाता रोखडे, मागीर हेअर फॉल बी खूप जावपाक लागता. सो दोन जाल्यार तीन दीस जाले न्हांवत नाशिल्लें माथ्यार, म्हण आयज म्हणटा न्हांव इल्लेशें माथ्याक तेल घातलें, कानाक इल्लें तेल घातलें आनी न्हालें. एक न्हालें न्ही मागीर रोखडें, एक्च्युली न्हांवून मातसो ड्रायर बी मारलेलो केसांक, बट स्टील तकली सोमती अशी जड जाली, एक अर्दवर भितर तकलीच उबी धरपाक जायना जाली, थंडी खावूं लागली. सोमतें गेलें आनी न्हिदलें. हेणें मागीर शीत बी इल्लें केलें, वा आसा घरा कडेन, हा बरें ना न्ही. सो तो वचून आशिल्लो, आतां जेवन वयतलो. ॲक्च्युली भाजी आनी दाळ केल्ली, ब्रेकफास्ट बी केल्लो हांवें, शीत करपाक जायना जालें. हेणें आतां शीत केलां आनी आतां मागीर टॅबलेट बी कांय घेवन आशिल्ली अशी. आतां जस्ट मी उठलें एक अर्दवर पयलीं मातशी टॅबलेट घेतली आनी आतां टॅबलेट घेतली, मातशें बरें दिसता. भूक लागली आतां टॅबलेट घेतकीर. सवा एक जाला, दाळ करून दवरल्या कुकरला, मातसो दाळीक फोडणी घालता आनी जेवता आमी, जेवन घेता कित्याक भूक बी लागला आनी टॅबलेट बी घेतला न्ही. सो ॲक्च्युली व्लॉग करपाचें कांयच नाशिल्लें मनान. आयज हो म्हाका म्हणटालो सकाळीं तुज्यान जायना न्ही आयज तूं व्हिडियो शूट बी करनाका, आनी जो कालचो आसा न्ही व्हिडियो रेडी तूं एडीट बी करनाका. आयज हॉलिडे घे कंप्लीट, तूं मातशें बरें जा, रेस्ट बी घे आनी आनी मागीर फाल्यां तुजो व्हिडियो एडीट अपलोड कितें करपाचें आसा तें फाल्यां कर सगळें. तशेंच चिंतलेलें, न्हिदलें तेन्ना बी अशें दिसतालें ना, हातांनी जायना मोबायल बी धरपाक आनी उलो बी जायना, ताळो दुखता न्ही अशें म्हणून. मागीर आतां टॅबलेट घेतय मातशें ओके दिसलें म्हणून म्हटलें चल करया, न्हिदोन न्हिदोन बी कितें करतलें. आनी आतां मातशें भायर येयलां, थंडी खाता, मातशें वताक लागून मातशें बसया म्हटलें हांगा, बट हांगा आनी वारो मारता. सो आतां दाळीक पयलीं फोडणी घालता, जेवन घेता आमी, टॅबलेट घेतलें आनी मागीर मेळटा. मागीर मेळटा इन सेन्स कांय खबर ना की कितें शूट करतलें, कितें कांयच ना प्लॅन म्हाजो. आतां मातशें टॅबलेट घेतलां आनी ओके दिसता म्हणून म्हटलें चल व्हिडियो स्टार्ट तरी करया, मागीर मागीर जालें जाल्यार करतलें, ना जाल्यार मागीर कंटिन्युएशन फाल्यां बी पळोवया म्हटलें. बट करपाक जाय न्ही, ना जायना म्हणून न्हिदून रावून बी उपयोग ना. आनी आतां मातशें टॅबलेट घेतलें बरें दिसता, मातशें स्वेटींग बी जावपाक लागलें. उदो टॅम्परेचर बी चॅक केलो, फिवर ना तितलो, आनी म्हणटा फिवर आनी येना जाल्यार पुरो, फिवर आनी येना जाल्यार पुरो, मागीर आनी टेन्शन. सो एनी हांव कितें जावं, फिवर येवं ना येवं, सांजच्या मातशें डॉक्टरा कडेन वचून येतलें, कित्याक म्हाका आयज एनी हांव आयच्या दीस भितर बरें जावं जाय. फाल्यां मातसो स्पेशल डे आसा म्हाज्या खातीर, तरी स्पेशल आसा. कितें कशें कितें तें तुमकां फाल्यांच्या व्लॉगान कळटलें. इफ सपोज हो कंटिन्यू करून ना न्ही जाल्यार फाल्यांचो सेपरेटचो व्लॉग येतलो पळय थंय, तेन्ना कळटलें. नाल्यार कंटिन्युएशन जाल्यार तुका हेच, तुमकां हेच व्लॉगान भितर कळटलें. सो म्हाका हांव वचना स्पेशली डॉक्टरा कडेन, म्हाका इंजेक्शनाचो खूब भंय दिसता, सो हांव वचना डॉक्टरा कडेन बी बेगीन. पण म्हाका आतां बेगीन आयच्या दिसा भितर बरें जावं जाय, सो सांजचे डॉक्टरा कडेन वयतलें. डॉक्टर इन सेन्स फ्रेंड हेजो, जेचें वॅडींग आमी अटेंड केल्लें पळय बेळगांव, तो डॉक्टर तेज्या फुड्या वतलें हांगा लागींच, वचून येतलें आनी मागीर सांगता तुमकां. सद्द्या जेवन घेता,
आणि मागीर सांगता तुमकां की कशी आसा म्हाजे हेल्थ अपडेट, दिता मागीर हेल्थाचो जोर येयला कितें जाला ते, आनी म्हाजी हालत पळोवन तुमी अशें म्हणनाका की कितें अवतार का म्हणून. जेन्ना म्हटल्यार अशें म्हाका जिवाक बरें बी आसना पळय तेन्ना म्हाजें तोंड अशेंच जाता, सामकें ड्राय पडटा आनी सुजलेल्या भशेन जाता. आनी मॅडिसीन घेतलें न्ही, राती बी मॅडिसीन घेतलें, सो टॅबलेट बी घेतली न्हू, रोखडें म्हाका न्ही अशें करून पिंपल्स बी येता, एक वरभर भितर रोखडें पिंपल्स येवं लागता. सो राती टॅबलेट घेतले न्ही अशें करून पांगां बी सगळे अशे पिंपल्स आयल्या अशें म्हणून नॉर्मली आसतात म्हाका केन्ना केन्ना, पूण मॅडिसीन घेतलें की रोखडेंच येता. सो वयता आतां भितर आनी जेवन घेता आनी मेळटा तुमकां. मातशें टेस्ट पळयता. हमारा लंच जो है ना वो अभी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे 2:30 बज चुके, 2:45 हो गए. तारक मेहता चल रहा है एज यूजुअल और यहाँ पे की जा रही है मेरी सेवा क्योंकि मैं हूँ बीमार. इनको देखो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ. बरे आसा डाळीम? कल जब हम आ रहे थे ना तो रास्ते पर वहां पे आप लोगों को दिखाया था ना, तो वही से लेके आए. बरे तांबडे आसा नी दाखल? देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा भी है. सवाई भी मिले थे हमका नी, तो ये जो है ना अभी मुझे छिलके दे रहे हैं. सिर्फ मैं अकेली नहीं खाऊंगी, इनके लिए भी है. तो चलो ये यहाँ पे बैठे हैं इस कॉर्नर पे और मैं जो है ना यहाँ पे बैठी हूँ इस कॉर्नर पे, ताकि इनको भी कहीं सर्दी ना हो जाए मेरी वजह से. चलो चलते हैं. तो पहले जो है ना मैं ये सब खाती हूँ और बाद में जो है ना कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को. धीरे इले से ताकर बरं तांबडं दिसता. ॲक्च्युली काल नी आम्ही ऑरेंज बीन हाडलेले, बट ऑरेंज खाल्यार आनी थंडी जातली म्हणून नी ऑरेंज खायना डाळीन. सो हे खावन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. हम 2 दिन नहीं थे ना तो यहाँ पे जो है ना हमारे सारे प्लांट्स जो है ना पूरे ड्राय हो चुके हैं. इनकी मिट्टी जो है ना यहाँ पे पूरी तरह से ड्राय हो गई है. फ्राइडे को आई थिंक पानी दिया था, सैटरडे संडे 2 दिन नहीं थे ना. एक्चुअली 1-2 दिन छोड़कर ही हम लोग ऐसे पानी देते हैं, रेगुलरली पानी नहीं डालते. तो यहाँ पे जो है ना इसको भी यहाँ पे पानी देना है. इसकी मिट्टी भी यहाँ पे सूख रही है और यहाँ पे इन पॉट्स का कलर देखो किस तरह से हो गया. एक ही साथ लेके आए थे हम लोग ये वाले पॉट्स और ये वाला. इसका कलर जो है ना ज़्यादा फेंट हो गया. इसका तो वैसे भी ठीक है अभी भी. और इस हांगा नहीं और यहाँ पे जो ना बहुत से फूल आए हैं. गुलाब आनी मजनी शेवती फुलपाक लगली आता. हांगा येल्लो कलरची शेवती फुल्ल्या आणि त्या सायडीन बी फुल्ल्या आसतात तुमकां हांगा दिसता आसतले पण. आणि थंय त्या ह्या वाजांक नी पप्पल कलरची बी आता वत आसा. वचना हांव भायर वगैरे, तकली सामकी जड जाल्या, आवाजाचेर कळटा आसतले तुमकां. सो हेका म्हटलें मातशें पयलीं उदक घाल झाडां. झाडां सामकी बाबडी हे जाल्या, सुकली माती बावपाक लागली झाडां. सो आनी नी हांवें हांगा दाखयता तुमकां. त्या दिसा एक दीस पुदिना हाडलेलो न्ही, सो ताका फ्रिजान दवरून न्ही ताका कोंब फुटलेलो. सो बेश्टेच हांगा हाडून लायिल्लो भरपूर, म्हळ्यार अशें खूब हांकां जाल्ली
हा 2 दिवस किती नाळ आले आणि सगळे सुकून गेले. काल रात्री येऊन पहिले तर सगळे इपाशी वगैरे सुकले. पानं असा पहिलं असे वगैरे 52 पडले. बेस्टेच कॉम येल्या म्हणून लायलंय. सो जाऊचे ना हवा म्हणून म्हणताल अशी करून रहीना ती जायना म्हणून बेस्टेच लायली म्हणून बाबडी गेली सामकी. सो आणि हांगा वयर जी झाडां असा पहिलं ह्यांका बी उदक घालली जाय. खूप दीस जाले घालून मातशें घालपाक लायता. एका म्हाजो का हात पाव जाले आयज तर म्हाज्या तशेंच जायना. शूट करपाक बी जायना इतली सामकी तकली जड जाले. शूट करपाक बी जायना इतली सामकी तकली जड जाल्या. नाक फूल पॅक जालां आनी ताका लागून चड त्रास जाता. जेवपाक बी गेले न्ही जाल्यार ब्रिदींग करपाक जायच ना. नाक पॅक जालां आनी तोंडान ब्रिदींग केलें की त्रास जावं लागता कितें खावपाक बी लागलें की. सो जायना नाक सामकें पॅक जालां. टॅबलेट घेतलेली मातशें बरें दिसलेलें. स्वेटींग बी जालें मातशें बरें दिसलेलें. आतां परत तकली जड जावपाक लागल्या. बेश्टेच माथ्यार नाल्या अशें दिसता. आतां केस बेश्टेच धुवप न्ही आशिल्लें. आयज एक दीस वेट करप आशिल्लो अशें म्हणून. सो सामकें कितें जाता आतां तकली बी न्हिदता मातशें पळयता. न्हिदून रावलें की ना आनी तकली जड जाता. मागीर अशें दिसता फील जाता हा पेशंट पेशंट अशें म्हणून. सो ताका न्हिदपाक बी चड बसता. पण आतां जायना कशेंच. हो वयता म्हणटालो म्हणून हांव जागे रावलें. हो गेलो की मागीर दार बी बंद करून न्हिदतलें म्हणून. म्हणल्यार आसा अजून झाडां उदक घालता मागीर पळयता हो वचपाचें काय ना तें. आनी म्हाजी हालत पळय डार्क सर्कल्स पिंपल्स तोंड वॉट बी सकाळ पडलें ड्राय पडून. उदक बी पिवपाक जाय ताळो दुखता न्ही. गरम उदक पिल्यार बीन थोड्या वेळान न्ही मागीर ताळो सुकता सामको. गरम गरम उदक पिलें की आनी नॉर्मल उदक पिलें की ताळो दुखपाक लागता. सो ताका लागून उदक बी पिवप जायना आनी वॉट बी सगळें सामकें ड्राय पडलां. सो पळयता हो वयता कितें करता. आतां तकली बी तोंड बी सामकें सुजलां तकली बी दिसता. मागीर मेळटा तुमकां. उलो बी जायना. जैसा की आप लोगों को दोपहर में ही पता है. पेशेंट को लेके जा रहा हूँ. जैसा कि आप लोगों को दोपहर में सॉरी जैसा कि आप लोगों को दोपहर में बताया था कि मुझे जो है ना जाना है डॉक्टर के पास. एक्चुअली फीवर नहीं है. वैसे भी ऐसे नॉर्मली जब सर्दी वगैरह होती है तो जाते नहीं हम लोग. ये भी नहीं जाना पसंद करते डॉक्टर के पास. वो बहुत से मेडिसिन वगैरह देते हैं ना इसीलिए. और मैं भी जाना पसंद नहीं करती. लेकिन मुझे जो है ना किसी भी हाल में कल ठीक होना है इसीलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं. फिलहाल जो ना अभी भी नाक बंद है. एक साइड का जो नाक है ना वो बंद हुआ है. काम नहीं कर रहा है. देखो तो मास्क लिया है मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो इसीलिए. और जा रहे हैं अभी डॉक्टर को. इन्होंने कॉल किया था तो वो है अभी क्लिनिक में. तो जा रहे हैं वापस आकर जो ना इनको वॉकिंग के लिए जाना है सब बोल रहे हैं. देखते हैं कब वहाँ पे नंबर वगैरह. नंबर में बैठने की ज़रूरत नहीं. हम गए ना तो हमें जो ना सबसे पहले एंट्री मिल जाएगी. जाकर जो ना पहले वापस आते हैं और बाद में देखते हैं कि कैसी है हालत. अभी भी जो है ना दोपहर को टैबलेट ली थी तो उसके बाद जो है ना इतना परेशानी नहीं हुई. लेकिन अभी जो है ना फिर से थोड़ी थोड़ी मतलब बॉडी पेन वगैरह ऐसे बॉडी से हिटनेस ऐसे लग रहा है कि बॉडी से जो है हिटनेस वगैरह निकल रही है. खूब एल्ला भून जाता अंगातला सामकी. आणि नाक पॅक झाला किती खावपाक गेले न्ही. सो सफोकेशन झाल्या भशेन बी जाता. उलेले बी जाल्यार. सो ताका लागून वचून येता. इंजेक्शन दिना जाल्यार पुरो म्हणटा इतलेंच. वचून येता मागीर सांगता तुमकां कशें कितें जालें तें. डॉक्टर के पास कहते ना जाकर आ गए. और मेडिसिन ना बाइक में ही है. अभी ये जा रहे वॉकिंग के लिए तो मेडिसिन लेते हैं और चलते हैं अंदर. सो यहाँ पे मेडिसिन दिए. पहले इनको बाय बोलते हैं फिर अंदर जाकर बात करते हैं आराम से. बाय बाय. डॉक्टर के पास जाकर आ गई. मेडिसिन दिया है डॉक्टर ने. दो दिन का मेडिसिन दिया है और एक इंजेक्शन भी दिया. वही तो मुझे नहीं चाहिए था फिर भी इंजेक्शन दिया. लाइट सा एक इंजेक्शन और मेडिसिन दिया है. अभी देखते हैं रात को लेना है अभी खाने के बाद. और कल का मेडिसिन है. एक्चुअली डॉक्टर के पास गए थे लेकिन शूट भी नहीं किया क्योंकि हॉस्पिटल में जाकर कौन शूट करता है या फिर क्लिनिक हो हॉस्पिटल हो वहाँ पे जाकर कौन शूट करता है. बहुत से पेशेंट भी होते ना उनके सामने शूट नहीं किया है मैंने. डायरेक्टली जो है ना घर आकर अभी चाय वगैरह पी के गए थे हम लोग. मैंने जो है ना चाय बनाई थी
मतलब गला जो है ना बहुत दर्द कर रहा था, और जो है ना मतलब ऐसे एक सफोकेशन टाइप का हो रहा था। तो थोड़ी सी जो है ना अदरक बाद में तुलसी के पत्ते वगैरह सब डालकर जो है ना चाय बनाई। चाय पी ली की मागीर मास्से बरे दिसले ना जाल्यार सामके आंग बी सब बॉडी पेन जाताले। गंजण बिले घातले, आले बिले सगळे, मिरियां बीन घालून तशी चहा केली इल्लीशी आणि पिले, मास्से ताळ बरं दिसलं ना, दुखतालो, उलो बी जायनाशिल्ले। सो आता मेडिसिन घेतला, हो केला वॉकिंगाक, रोकडो येता म्हणून सांगला, आणि डिनर बी हांव कांयच करचें ना, म्हाज्यान जायना आतां, आतां सद्या तरी जायना। मेडिसिन घेतलं आणि मागीर पोया जिवाक कशें दिसता तें, पण डिनर बी हाणें म्हटलं कांयच करनाका, पोदेर येतलो आणि पाव पोळी कितें जाय तें घे म्हटलां। सो आतां भायरच बसता थोडो वेळ मातशें, आणि मागीर फाल्यांच्या फाल्यां पोवया। सो आयचो जो व्लॉग आसा पळय न्हू, हो हांगा एंड करता, कित्याक फाल्यां मातसो स्पेशल डे न्ही, मातशें बेगीन बरें जावपाक जाय। सो ताका लागून रेस्ट बी घेता, मेडिसीन घेता, आणि तुमकां सगळ्यांक न्ही फाल्यां मेळटा। आप लोगों को जो है कल फिर मिलने आती हूँ एक और नए व्लॉग के साथ शाम को 6 बजे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगर कल का व्लॉग जो मेरा आएगा ना अभी, क्योंकि कल स्पेशल डे है बोला है ना, तो व्लॉग भी जो है थोड़ा सा स्पेशल होगा, तो कल का व्लॉग भी ज़रूर से देखना। बाय बाय।